ये मेरे चारों तरफ जो देख रहे हो आप, ये पूरा जो एरिया है ये सारा तस्वीरों से भरा हुआ एरिया है। इसमें बहुत द ब्यूटीफुल अब शीश महल, मतलब शीशे से बनाए हुए खूबसूरत महल जिनको अपन कहते हैं शीश महल। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वाली वीडियो में आप मेरे साथ देख रहे वाले हैं झालावाड़ संग्रहालय। तो अभी मैं आ चुका हूँ झालावाड़ संग्रहालय और संग्रहालय को देखूँगा। तो इस वाला जो संग्रहालय देख रहे हो मेरे पीछे, ये वाला है संग्रहालय। तो इस संग्रहालय को देखने में जा रहा हूँ, देखते हैं कितना खूबसूरत संग्रहालय है और इसमें क्या क्या व्यवस्था देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अभी मैं जा रहा हूँ सीधा टिकट काउंटर, उससे पहले यार प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है तो पहले पानी वानी पी लेता हूँ, फिर जाता हूँ टिकट लेता हूँ, टिकट परचेस करने के बाद देखूँगा। ओके चल। तो भाइयों पी लिया मैंने पानी और ये है गढ़ भवन। इस गढ़ भवन के अंदर मैं जाके देखूँगा, पहले टिकट वगैरह परचेस कर लेता हूँ और उसके बाद जाके देखूँगा गढ़ भवन वगैरह। ओके चलिए देखते हैं। काफ़ी बड़ा है यार, कोई जाते हैं। ये स्टेट संग्रहालय यहाँ का झालावाड़ का। टिकट वगैरह ले लेते हैं। द म्यूजियम ऑफ एंडिंग बुद्ध हाल। बुद्ध हाल क्या है यार? अच्छा इस्तोपित प्रकृति, जो महात्मा बुद्ध सारी लोकेशन से महात्मा बुद्ध की, ये जो बहुत अच्छी अच्छी बुद्धिस्ट के सेंचुरीज है, बुद्धिस्ट कैब से है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी ऊपर भी है, डिटेल्स है पूरी बुद्धिस्ट की, जाकर सर्विस मिला रहे। काफ़ी बड़ा है यार ये बुद्ध स्तूप बना रखा है, एक बहुत बड़ा स्तूप। पुरातात्विक अवशेषण है सारे, पुरातात्विक अवशेषण, किले, खंडर मूर्तियाँ वगैरह पूरा जो बहुत देख रहे हो ना, ये बहुत ही बड़ा स्तूप है बना रखा आकृति। ओके इस साइड ये वह है तो जाने के लिए। अच्छा ऊपर जाता हूँ। ये जो है स्थानीय संग्रहालय का है, राजस्थान का जो राजकीय संग्रहालय, उसमें देखने में जा रहा हूँ। ये जैन दीर्घा, जो जैन गैलरी है, ये सारी जो मूर्तियाँ वगैरह सब जैन धर्म से संबंधित है। ये जैन तीर्थकर हैं, पार्श्वनाथ जी हैं ये। वाह यार काफ़ी खूबसूरत है यार ये मंदिर, ये ऋषभनाथ जी की है और ये जो मूर्ति है ऋषभनाथ जी की एक मूर्ति है। दोस्तों कोई नहीं था, अकेले आया था मैं, अभी अकेले घूम रहा हूँ पूरे संग्रहालय में। सारी मूर्तियाँ ये भी, ये जो मूर्ति है शंभुनाथ की, ये अपने पार्श्वनाथ की मूर्ति है, काफ़ी देखने रोचक। ये क्या है मूर्ति ऊपर खंड, ये एक मूर्ति हुआ करती थी उसके ऊपरी खंड है, ये काफ़ी खूबसूरत बना रखा आकृति में। पानी वानी पी लेता हूँ पहले। देवी गैलरीज यहाँ पे भी क्या है, राजस्थान हाड़ोती, ये पार्वती शिव पार्वती की प्रतिमा है सब दूर। कोलारी गौरी पार्वती की सारी मूर्तियाँ, गौरी मंदिर है, वैष्णव जी की मूर्ति है, इस साइड जो है चतुर्थ वैष्णव की प्रतिमा, ये जो है चामुंडा माता की प्रतिमा, ये वाली माँ चामुंडा की प्रतिमा। खूबसूरत है यार ये बाहर का व्यू दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हो ये बाहर का व्यू है, बैक साइड में एक गार्डन है इसके और इस गार्डन के पास में ये बना हुआ पूरा लोकेशन। हेलो डियर कम 20 रुपीज़ सामने से।
मेरा दोस्त थे एक और जो है वो नीचे रह गया था कुछ बातचीत करते हुए। बाहर सारी मूर्तियाँ वगैरह है, ये महिषासुर की प्रतिमा, महिषासुर की प्रतिमा है। वाह यार काफ़ी दर्शनीय साधु है। ये सारी प्रतिमा है, ये नंदी की प्रतिमा जो ऐतिहासिक काल में मिली हुई, ये ऋषभदेव की प्रतिमा है, ये मिति स्तंभ है, ये चित्तौड़ में है कृत्य स्तंभ जो है, और ये मिति स्तंभ है। कौन सा वाला? ये मिति स्तंभ है ये, और चित्तौड़ में देखा था अपनों ने कीर्ति स्तंभ। बट्टू की भैरव की मूर्ति है, ये हरि हर की मूर्ति। तो इधर जो देख रहे हैं ये वाला पोजीशन है ना, ये वाला पोर्शन इस किले का, इस संग्रहालय का, यहाँ पे सारी मूर्तियाँ वगैरह है। ये जो देख रहे हैं मेरे वेबसाइट सब तरफ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं। और ये पहले दिशाओं जो होती थी इस प्रकार दिशाएं होती थी, पहले दीप काल में जिस प्रकार दिशाएं होती होगी, आज वायु वरुण नेत्रत्य दक्षिण अग्नि इंद्र निशान कुबेर, ये सारी आठों दिशाएं हैं। काफ़ी अच्छा है, दीर्घा गैलरी है ये, बहुत बड़ी दीर्घा गैलरी, सब गैलरी हैं, पुरातत्व अवशेषण वगैरह हैं। अस्त्र सिद्ध, अब मैं जा रहा हूँ अस्त्र दीर्घ, अस्त्र शस्त्र देखूंगा मैं। वाह अस्त्र वगैरह हैं सब। हाथी दांत की बनी, कितनी बारीक बारीक चीज़ें बनी हुई है हाथी दांत की, वो उस पर कोई पक्षी बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें हाथी दांत की बनी हुई है। इसमें कैंची वगैरह भी है, चाकू है, तलवार डिज़ाइनदार वाली, सब हाथी दांत की बनी हुई। महाराजा उदय सिंह की प्रतिमा, ये बाजीराव पेशवा की तस्वीर है। दोस्तों ये देखो तीर कमान, मतलब ये दीपक वगैरह रखने के लिए, ग्वालियर के महाराजा हैं। तो सारे जो देख रहे हो आप मेरे वेबसाइट वगैरह सब, ये तस्वीरें लगी हुई है जो भी महाराजा हुए हैं उनकी तस्वीरें वगैरह हैं। ये इस साइड है लखनऊ के नवाब की तस्वीर, ये इस साइड भारतेंदु हरिश्चंद की तस्वीरें हैं, ये इस प्रकाश थे भारतेंदु हरिश्चंद। फिर यहाँ पर ये भी है महाराजा बड़ौदा के महाराजा हैं, ये नाना फडणवीस, ये नाना फडणवीस की तस्वीर है। और इस साइड जो है देख रहे हो ये बाजीराव पेशवा की समाधि, मतलब ये उनकी तस्वीर बाजीराव पेशवा की। और भी काफ़ी तस्वीरें हैं, ये महाराजा नाभा पंजाब के महाराजा नाभा की तस्वीर है। तो कितनी प्रकार की तस्वीरें हैं यार, महाराजा रणजीत सिंह है, ये हैदराबाद के निज़ाम मंत्री थे हैदराबाद के, उनकी तस्वीर, फतेह अली शाह पाशिया की, अकबर द्वितीय बादशाह दिल्ली के अंग्रेज़ नवाब थे। काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें वगैरह, काफ़ी अच्छी देखने लायक। और ये क्या है भाई, साइकिल थी, पहले कभी साइकिल देखी या नहीं देखी आपने? देख लो ये फर्स्ट साइकिल हुआ करती होगी जब पहली बार साइकिल का आविष्कार हुआ। ये देखो यार कितनी खूबसूरत साइकिल है, देखिए फर्स्ट बार साइकिल में भी देख के अचंभित हो रहा हूँ यार, इतनी खूबसूरत साइकिल हुआ करती है यार, बैठते कैसे होंगे इस पर? वो सीट है, वो जो देख रहे हो वो सीट होगी, और हाथ से चला सकते होंगे, मतलब हैंडल वो रहा, ये हैंडल है, और ये पैदल वगैरह मारने के, और ये छोटा सा एक टायर, ये बहुत अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत। झालावाड़ के महाराजा जालिम सिंह जी देती है। तो भाई काफ़ी खूबसूरत है यहाँ सारा, ये अवध के नवाब, अवध के नवाब की तस्वीर। यार मुझे साइकिल देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, फर्स्ट बार देख रहे हैं जब पहली बार साइकिल का आविष्कार हुआ होगा, तो वास्तविक देख रहा हूँ आज तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक बार और पास जाके देखता हूँ ये साइकिल। ओके
इस साइड पेंटिंग वगैरह है, छत की पेंटिंग वगैरह है। हाँ यार, ये भी पेंटिंग वगैरह है यार, नक्काशी बना रखी पेंटिंग। घरों में दीवारों में बना रखी पेंटिंग, पूरा पेंटिंग का संग्रहालय है ये। तो काफी खूबसूरत पेंटिंग है यार, सारी दीवारों पे बना रखी। देखो कितनी मस्त पेंटिंग है, ये देखो यहाँ पे एक ये पेंटिंग तलवार लेके बैठे हुए महाराजा मदन सिंह जी, ये लिख रखा ऊपर मदन सिंह, ये माधो सिंह जी की तस्वीर। तो काफ़ी दीवारों पे जो पेंटिंग बना रखी, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है सारी यार। ये माधो सिंह जी, एक और तस्वीर, एक साइड मदन सिंह जी की तस्वीर, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें बना रखी है। ये मेरे चारों तरफ जो देख रहे हो आप, ये पूरा जो एरिया है ये सारा तस्वीरों से भरा हुआ एरिया, इसमें बहुत दीवारों पर काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें बना रखी है। और भी देखता हूँ चीज़ें किले के अंदर। देखो ये सांवलिया जी की तस्वीर है, सारी पेंटिंग बना रखी है। ऊपर साइड जाता हूँ, शीश महल है उस साइड, शीशे के बना हुए महलों को देखूँ अब मैं, जो शीश महल है। कोई नहीं है यार, टूरिज्म लोग कोई नहीं है, बस मेरे अलावा टूरिज्म और कोई नहीं है। ये ऊपर मेरा रह गया शीश महल। शीश महल क्या है, शीश महल को देखूँगा मैं। वाओ, द ब्यूटीफुल अब शीश महल, मतलब शीशे से बनाए हुए खूबसूरत महल, जिनको अपन कहते हैं शीश महल। देखिएगा इतना अच्छा सा शीश महल है, ये काफ़ी खूबसूरत। देखो ये कोई कारपेट बिछा रखी है, ये पुराने ज़माने में कारपेट होती होगी उस प्रकार से। सांवलिया जी की तस्वीर है और पूरे शीशे से बना हुआ ये शीश महल जो पूरा देख रहे हो, शीशे से बना हुआ काफ़ी खूबसूरत महल है। ये देखो ये इस प्रकार ये खिड़की वगैरह लगा रखी शीश महल की। वाह, काफ़ी खूबसूरत ऊपर भी यार, ये ऊपर की डिज़ाइन देखो आप लोग। मैं एक बार आपको जो वीडियो क्लिप का जो पूरा रिकॉर्ड करके बताता हूँ, वन सेकेंड। कैसा लगा शीश महल? तो ये पूरा जो है ना मेरे पास, ये पूरा शीश महल है। और ये तस्वीर है एको सांवलिया जी की तस्वीर इस साइड, और ये फिर जैसा कारपेट बेचारा, मतलब उधर वाला पोजीशन, वो उस साइड की जो स्थिति है, उस साइड का जो नक्शा है वो वैसा नक्शा इस साइड भी है, कारपेट बेचारा का उसी जैसा। तो ये था भाई शीश महल। अब मैं जा रहा हूँ वापस से नीचे की तरफ, और नीचे के बाद फिर नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहा हूँ यार। यार मज़े की बात ये है कि पर्यटन लोग और कोई है ही नहीं, अकेला मैं ही हूँ जो घूमने के लिए आया हूँ यार, पता नहीं क्यों नहीं है यार। खैर कोई दिक्कत नहीं, अब मैं उस साइड जाता हूँ वापस बाहर की साइड। ये भित्ति चित्र की दीवार है, ये जो देख रहे हो सारी पेंटिंग है ये भित्ति चित्र की, कितनी खूबसूरत दिख रही। देखो ये यहाँ से और अंदर जाके देखता हूँ। वाह कितनी खूबसूरत दीवार, देखो इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं सारी यार, राजा महाराजा की तस्वीरें हैं। देखो कितनी अच्छी कांच के अंदर फिट कर रखी है सारी तस्वीरें बनाना। ये देखो कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं सारी, सब दूर तस्वीरें, इधर भी बहुत सारी तस्वीरें, महाराजा जी प्रताप सिंह जी छावनी, ये है महाराजा जी, सारे महाराजाओं की, सारे महाराजाओं की तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत है। इस साइड पर ये पेंटिंग बना रखी है, दीवार पे पेंटिंग बना रखी महाराजाओं की, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है सभी। ये भी क्या, ये भी दीवार पे पेंटिंग बना रखी है, और ये कांच का है, उस साइड जो है कांच के, और ये त्रिपाल डाल रखा है ऊपर। ये एक और महाराजा जी, इनकी भी कांच की पेंटिंग बना रखी, मतलब इस पे दीवार पे पेंटिंग बना रखी, काफ़ी खूबसूरत है यार। वाह वेरी ब्यूटीफुल है।
अब फिर जाता हूँ मैं बैक साइड, उस उधर से आया था मैं भाई, वापस बैक साइड जा रहा हूँ। एग्जिट है, एग्जिट भी काफ़ी घुमा हुआ है यार, उधर से आओ घूमते 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 तब जाके नीचे आ सको। अभी तो मैं नीचे आया ही नहीं हूँ, अभी थोड़ा और चलना पड़ेगा मुझे इसी रास्ते, अकेला हुआ संग्रहालय में घूमता हूँ। ये देखो इस साइड जो जो देख रहे हो आप, ये वाली जो देख रहे हो लोहे की बनाने की पूरी, इसकी बैटमेंट 5 राउंड तो कर लिए मैंने, चौथा राउंड लिया है। तो ये था संग्रहालय अपना यार, उस साइड निकासी है, एग्जिट पॉइंट। तो भाई अभी मैं जो उस साइड था ऊपर की साइड, याद दीजिए अभी मैं उस साइड था, देखो ऊपर भी कितना खूबसूरत है यार, ये ऊपर की जो पोर्शन है ना देख रहे हो, ये जो सारा इस दीवार के उस साइड में था, ऊपर की साइड में था। अब वापस जा रहा हूँ मैं सामने की तरफ, और क्या क्या चीज़ें हैं इनके देखने लायक। एग्जिट पॉल इधर साइड। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं वापस बाहर, काफ़ी खूबसूरत किला था अंदर, ये अपना जो झालावाड़ संग्रहालय है काफ़ी खूबसूरत था, इसको मैंने पूरी तरह से देखा अच्छे से और काफ़ी अच्छा, इसमें काफ़ी कलाकृतियाँ हैं जो देखी है आपने। अब मैं सोच रहा हूँ मैं जा रहा हूँ गागरौन का किला, एक और काफ़ी खूबसूरत किला है गागरौन का, उस साइड देखूँगा, ये काफ़ी बड़ा है यार, उधर आगे भी जा सकते हैं अपन, लेकिन देखने का तो पोर्शन अंदर ही था जब मैंने देख लिया, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस चारों तरफ घूमते रहो, इसके किला है और कुछ नहीं है। किला तो क्या मतलब वो संग्रहालय है, ये सारा चीज़ मैंने देख लिया उधर से ऊपर की साइड से, और कुछ नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ गागरौन का किला जो है ना उसको देखने के लिए, गागरौन का किला देखूँगा, फिर करते हैं लोकेशन आपको ट्रेक। तो इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वाले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें विथ अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।